केशव जी, मैं कल कहीं पढ़ रहा था, मुझे अचानक से पढ़ते पढ़ते एहसास हुआ कहीं आपके बारे में कि आप भी चाय वाले थे। आपने भी कुछ कई जब 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 आपने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल के दिन थे, तो भी आप पढ़ते भी थे और इस तरह से जो है कभी कभी जो है चाय भी इस तरह से काम करते। निश्चित तौर से मैं भी चाय वाला था और मेरे जैसे करोड़ों चाय वाले थे, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाय वाले थे, देश जानता है, दुनिया जानती है, केशव प्रसाद चाय वाला था। आप जब दूरदर्शन के मंच से चर्चा हो रही है तो पूरा देश जानेगा, लेकिन मेरे करोड़ों की संख्या में जो चाय वाले भाई बहन हैं उनके बारे में भी लोग जाने, वहाँ एक तरह से परिवार का हिस्सा अपने आप को मानने लगे हैं और हम भी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते। मैं चाय भी बेचता था, मैं अखबार भी बेचता था, और जो गरीबी के जीवन को जीते हुए जो जरूरी काम परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है वह सारे काम किया था मैंने, और इस पर मुझे सदा गर्व रहता। बिल्कुल, आप जमीन से जुड़े नेता है, मैंने पहले ही कहा। केशव जी, मुझे याद आता है 2017 में जब वोटों की गिनती होनी थी, उससे ठीक एक दिन पहले केशव जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी की कम से कम सीटें 280 आएंगी। उन्होंने कहा कि 280 से कम आएंगी नहीं, 280 कम से कम होंगी और हम 340 तक जा सकते हैं। बहुत से राजनीतिक विश्लेषक शायद तो उस वक्त केशव जी की बात पे हंसे होंगे, लेकिन जब अगले दिन जब वोटों की गिनती शुरू हुई और ईवीएम मशीन में काउंटिंग शुरू हुई और बीजेपी 325 सीटों तक पहुंच गई, तो लोग हैरान हुए कि केशव जी का इतना सटीक आकलन कैसा निकला, जबकि बड़े बड़े जो दिग्गज थे, जो लोग चुनावी विश्लेषक थे और सर्वे करने वाले थे, वो फेल हो गए थे। तो केशव जी, जमीन पर शायद आपकी पकड़ थी इसलिए आपने बता दिया, इस बार क्या कहेंगे कितना? देखिए, जो हम 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए कह रहे थे, जो हमारे नेतृत्व के लोगों के द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव में कहा गया था, सपा बसपा कांग्रेस और लोकदल सबके गठबंधन के बाद भी जो 2019 में कहा गया था, वह बातें 100% प्रमाणित कर दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हम 300 का आंकड़ा पार करेंगे, फिर से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में दमदार प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। कमल का मतलब पूरा प्रदेश खुशहाली मानता है, सुरक्षा मानता है, विकास मानता है, गरीबी से मुक्ति मानता है, किसान को लगता है कि अब मेरे दिन अच्छे वापस आ गए, नौजवान को लगता है भ्रष्टाचार मुक्त मुझे नौकरियां मिल जाएंगी। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप नजर डालेंगे, कमल खिलाना जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, वैसे प्रदेश की जो हमारी 24 करोड़ जनता है, जिसमें लगभग 15 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, वह भी यह मानते हैं कि भाजपा का कमल हमें खिलाना है, और भाजपा का कमल खिला करके जो सुशासन, जो शांति से, जो तमाम गुंडा राज, माफिया राज, अपराधियों के आतंक के साए में यूपी जी रहा था, उससे लोग बाहर आए हैं और बहुत एक तरह से कहिए जो सांस लेना मतलब मुश्किल था लोगों का, आज वह खुशहाली से जीवन जी रहे हैं और विकास कर। क्योंकि हमने कहा कि जब बीजेपी के आप अध्यक्ष बनाए गए प्रदेश के, और उसके बाद जब आपने तमाम समीकरणों पर काम किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश, फिर कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ जातिगत आधार पर वोटिंग होती है, लेकिन 2017 के नतीजे सर ये बताते हैं कि जाति की जो बंधन थे, जाति की जो लाइनें थी, सीमाएं थी, वो टूट गई थी, सबने मिलकर एक साथ वोट किया था और उसी डेवलपमेंट के लिए वोट था शायद। देखिए, जाति के बंधन तो 2014 में ही टूट गए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, जब हमें 73 सांसद हमारे सहयोगी अपना दल के साथ जीत करके मिले थे, देश माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिल में बैठा लिया था, वो आज तक दिल में बैठाया हुआ है। अगर हमें 2014 में 73 सांसद मिले तो माननीय मोदी जी का चेहरा देख करके ही हमें 2017 में 325 हमारे सहयोगियों के साथ विधायक मिले, माननीय मोदी जी के नाम पर ही हमें 2019 के लोकसभा चुनाव में सारा देश, सारा प्रदेश, सारे विरोधी, सारे विश्लेषक, जो भी राजनीतिक पंडित है, यही कहते थे कि अब तो सपा बसपा का गठबंधन हो गया, अब भाजपा का विजय रथ रुक जाएगा। उनको मालूम नहीं था कि मोदी जी लोगों के दिल में हैं, सारे विरोधी दल एक हो जाएं, तब भी भारतीय जनता पार्टी का कमल उत्तर प्रदेश में खिलने से जब 2019 में नहीं रोक पाए, तो 2022 में तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। और जब रिजल्ट आएगा तो मैं नहीं जानता कौन सैफई जाएगा, कौन लंदन जाएगा, कौन पेरिस जाएगा, लेकिन आप विश्वास मैं के बाद मैं यही आपसे पूछने वाला था,
कि हमको तो जानकारी यही है कि केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, आप क्या भारत के भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है जो वीजा डिपार्टमेंट देखता है वो भी आपके पास है, क्योंकि आपने कह दिया कि वो अखिलेश जो है अखिलेश जी चुनाव जीतने के बाद जो है सीधा लंदन चले, हमारे हमारे यहाँ वीजा देने में रोक नहीं लगाई जाती, अगर कोई अपराधी होगा जरूर रोक लगाई जाएगी, और कोई इनकम टैक्स का कोई घोटाला करेगा कोई लुकआउट नोटिस उनको जारी होगी तब रोका जाएगा, अन्यथा मैं जो बता रहा हूँ बहुत सपने पिछले में चुनाव में लगातार इस प्रचार के दौरान देख रहा हूँ, ऐसे सपने देख रहे हैं, जमीन जैसे खिसक गई है और आकाश के अलावा जमीन की तरफ देख नहीं रहे। तो मतलब अगर अगर अखिलेश जी कह रहे हैं कि उनके कान में आकर सपने में कृष्ण जी आके कह रहे हैं कि तुम्हारी सरकार बननी है तो बनने वाली है, तो आप उसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहेंगे? देखिए भगवान कृष्ण जी अगर उनके सपने में आए होंगे तो बताए होंगे कि श्री अखिलेश बाबू अभी तुम्हारा 25 साल तक कोई नंबर नहीं है, 22 में तो प्रयास करो मत, 27 के बारे में सोचो, इसे आने वाले 25 साल तक कोई संभावना समाजवादी पार्टी चाहे सारे सब बुआ भतीजे जितने हैं सब एक हो जाए तब भी, अभी मैं ये मानता हूँ 22 में तो उनका प्रयास व्यर्थ है, 27 में कुछ प्रयास करें कुछ मिल जाएगा, वैसे मेरा मानना है कि 25 साल तक उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिला है और खिला रहे। ये नहीं, आप कहां से आकलन ये लाते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश में आप लोग सीधा 20-25 साल से बीजेपी आज इतनी आत्मविश्वास से कैसे भरी हुई कि जहां जाती है वहां कहती है भाई 20-25 साल तो भूल जाइए, अगले 15 साल तो भूल जाइए, तो मतलब ये क्या है, आप यहां पर अखिलेश जी को सीधा 25 साल आने उनकी पूरी जवानी निकल जाएगी, आप 25 साल उनको ऐसी विपक्ष में बैठाएंगे? देखिए वो ना तो सत्ता के लायक, जब सत्ता में थे मैं आपको आज बता रहा हूं, दूरदर्शन का चूंकि सबसे विश्वसनीय और देश का सबसे बड़ा मंच है, जब सत्ता में थे विकास के सबसे बड़े अवरोधक मुख्यमंत्री के रूप में हिंदुस्तान के अंदर किसी का नाम याद किया जाएगा तो श्री अखिलेश यादव को याद किया जाएगा, मैं उस समय सांसद था, हमारे श्री अनुराग ठाकुर जी जिस कमेटी में उस समय उसके चेयरमैन थे उस कमेटी का मैं सदस्य था, अनेक परियोजनाएं हम भारत सरकार की उत्तर प्रदेश में लाना चाहते, गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं उत्तर प्रदेश पहुंचाना चाहते थे, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को केवल यह डर लगता था कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार की योजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले आ गई तो उनकी साइकिल पंचर हो जाएगी, और मैंने कहा देखो अगर आप रोक लगाओगे तो साइकिल खंड खंड हो जाएगी, अगर नहीं रोकोगे तो शायद पंचर है, 2014 में पंचर कर दिया जनता ने, पंचर ही रह जाए, लेकिन नहीं माने तो 2017 में वो साइकिल खंड खंड हो गई, और अभी तक उसको कहीं अच्छा उनको मैकेनिक नहीं मिला है ना जनता मिली कि उसको एक साथ जोड़ करके फिर से चलने लायक बना सके। मैकेनिक का तो पता नहीं सर, लेकिन उन्होंने अपनी साइकिल पे आगे पीछे दाएं बाएं बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां बैठा ली हैं, कोई डंडे पर बैठा है आगे, कोई करियर पे बैठा है, कोई पीछे लटक लिया है, तो ये सब ताकत तो बन जाते हैं। कोई ताकत नहीं, हम जानते हैं इस बात को, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं, मैं गरीबी का दर्द भी जानता हूं, मैं किसान के नाते भी, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं तो वहां नौजवानों के साथ क्या अत्याचार हुए, क्या अन्याय हुए हैं, क्या लूट हुई है, क्या भ्रष्टाचार भर्तियों में हुआ, वह भी मैं जानता हूं, किस प्रकार से जातिवाद हुआ है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बनाया गया है, किस प्रकार से प्रयागराज का कुंभ मेला 2013 में श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मैं विधायक था, उस मेले की अव्यवस्था में भगदड़ मची थी, हमारे कई तीर्थयात्री उस भगदड़ में मारे गए थे, इनके कारण मारे गए, 2013 के कुंभ के बाद 2019 में कुंभ होता है और 2013 के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव होता है, 2014 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी सहित संपूर्ण विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाता है तब ये 2019 में कुंभ मेले में डुबकी लगाने जाते हैं, 2013 में नहीं गए थे लेकिन 2019 में कुंभ में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं, इनको लगता था कि अब तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी, तब इनको याद आया जब ये केंद्र में जो इनके लोकसभा में सदस्य थे वह बाहर हो गए, जब उत्तर प्रदेश की सरकार से इनकी पूर्णतया विदाई हो गई तब इनको लगा कि तुष्टिकरण हमारी पार्टी है, हम सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर करते हैं, गरीब करीब हमारे लिए एक समान है चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है, लेकिन सपा की सरकार के समय में उनके लिए तो बेटी बेटी भी एक समान नहीं थी, अगर मुस्लिम की बेटी है तो उसके लिए योजना है, उनके लिए तो शमशान घाट जो स्थान होता है कब्रिस्तान की बाउंड्री वो बना सकते थे, लेकिन शमशान जो स्थान जो हिंदुओं के अंत्येष्टि स्थल होते थे वहां कोई व्यवस्था नहीं करते थे, इतनी घटिया सोच के साथ उन्होंने सरकार चलाई थी कि वह न जनता भूली है और न भूलने वाली है, गुंडे अपराधी माफिया किसी के जमीन किसी के मकान किसी के दुकान पर कब्जा कर ले और वह शिकायत करने चला जाए
अगर थाने में तो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होती थी। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता की नजर में आज भी अपराधी हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं।